कौन सा फूल को तोड़ रहे थे वहाँ पे? नीचे पारा साइड में कौन कौन पढ़ते थे? और इधर से संजय पारसू था। जब भी नाश्ता करने बैठता हूँ हाँ, इंतजार करती रहती है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ये जो दीवार देख रहे हैं ना, इसका ईंट तक दिख रहा है। हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मस्त हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं और अभी हम लोग घूमने निकले हैं। हमारे फूफा जी फूल तोड़ रहे हैं, पूजा करने जाएंगे अभी। जैसे कि मैंने बताया था, श्री राम मंदिर में जाते हैं पूजा करने रोज सुबह सुबह। इधर से यही मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे को उस दिन एक को दबोच लिया था ब्रोनी। अब देखिए कैसे करे। मत कर यार, तू क्यों करता है वैसे। नमस्ते फूफा जी। शाम को भी जाते हैं पूजा करने की? शाम को भी जाते हैं। कौन सा फूल को तोड़ रहे थे वहाँ पे? क्या बोलते हैं? बारह मासी फूल है इसका। अच्छा अच्छा, बारह महीना होता है ना वो? बारह महीना फूलता है। क्या कर रहा है बाबू? क्या कर रहा है? इसको कौन बना दिया तेरा ये गाड़ी को? मैं तो बनाया। खुद बनाया है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। गांव में ज्यादातर आपको ऐसे ही गाड़ियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि शहर में जो खिलौने मिलते हैं सब लोग उसको नहीं खरीद पाते हैं, और गांव में उतना सबके पास पैसा भी नहीं रहता, तो सब बच्चे लोग अपना खुद इंजीनियर बन के ऐसे ही गाड़ियां का निर्माण करते हैं। हमारे स्कूल मेट इधर जा रहे हैं। गुटका जी नमस्कार। गाइस, मैं आपको मेरे फ्रेंड से एक बार तो मिलाया हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं मिला पाया हूँ, तो आज अच्छे से बता देता हूँ। इनका घर नीचे साइड है और मेरा घर थोड़ा ऊपर है, और हम लोग साथ में पढ़े हैं ना यार। कौन सा क्लास से पढ़े हैं हम लोग? पहली से पांचवी तक। पहली से पांचवी ना। हम लोग जिस टाइम में पढ़ते थे उस समय हम लोग का स्कूल कच्चा का था ना यार। कच्चा का था। तो सप्ताह में एक बार जो शनिवार का दिन होता था उसमें हम लोग का जो फर्श रहता था वो कच्चा का था, तो उसमें हम लोग गोबर लीपते थे। तो सप्ताह सप्ताह में हम लोग जितने भी क्लास वाले थे, हर सप्ताह दूसरे दूसरे को समय मिलता था, तो हम लोग दोनों जन मिल के जाते थे ना यार खोजने। एक तो टब में लेके आते थे, फिर उसको लड़की लोग लीपते थे, है ना। हम लोग के टाइम में ये इधर पारा और नीचे पारा साइड में कौन कौन पढ़ते थे? और इधर से संजय पारसू था और राजेश था। हाँ हाँ, और जुजेश्वर भी था ना? जुजेश्वर था। और बलराम? बलराम था। हाँ हाँ, तो लोग आजकल कहाँ कहाँ रहते हैं? घर में शादी हो गया ना उन लोग सबका। सबका हो गया? पांचवी तक ही था हम लोग का स्कूल, उसके बाद तो हम लोग इधर उधर हो गए। तो उसके पांचवी के बाद तू कहाँ चला गया? फिर बाहर रहने गया था कि इधर ही यही था? नहीं, वो बाहर था। बाहर चला गया था। चलो ब्रोनी, अब घर चलते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं चेता? नहाने जा रहा हूँ भैया, अभी पढ़ना है। पढ़ना है? किसे हो काका? का करा था? देखो। अच्छा अच्छा, खेला था। चलो कैसे चीको? हेलो बोल। हेलो बोल दे। अब हम घर साइड पहुंचने वाले हैं, और इधर विक्की के साथ ब्रोनी खेल रहा है। अच्छा से रहता है ना तेरे पास विक्की? हाँ भैया, बहुत खेलता है इसके साथ, बहुत ज्यादा। तो तू ईश्वर के शादी में तो डांस नहीं किया? लेकिन किया ना भैया। चलो ब्रोनी, थोड़ा सा तुमको यहाँ पे मैं बांध देता हूँ। इस टाइम पे हमारे दादाजी नाश्ता करते हैं, और उस नाश्ता को चिड़िया लोग को भी साथ में खिलाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। क्या कर रहे हैं दादाजी? मैं जब भी नाश्ता करने बैठता हूँ हाँ, चिड़िया जहाँ भी रहती हैं आ जाती हैं मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। वो टाइम को जानते रहते हैं लोग? जानते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। सुबह का टाइम नहीं, देखो ना, देखो आ गए हैं, और उधर भी है ना बहुत सारे आते हैं। अभी तो कम है ना दादा? लगभग कितना चिड़िया आ जाते होंगे? 15-20 भी, कभी 5-7 भी, कभी 2-4 भी, समय समय का बात है। आज फिर से पोखाड़ भात तो खाएगा ब्रोनी, जल्दी खाओ ब्रोनी। दही डाले हैं इसमें ना? और हमारी दादी यहाँ सब्जी काट रही है, बहुत फास्ट काटती है। कितना टुकड़ा करते हैं एक ठोको? 5-6। उससे और छोटा करने से और अच्छा लगता है। और हम लोग जो कलर सिलेक्शन करने गए थे वो आ चुका है, और आज शायद आएंगे कारपेंटर लोग, और आज से काम चालू हो जाएगा ये लगना। बाकी सब चीज तो हो गया है, बस इसको लगाना है। उसके बाद आपको दिखाऊंगा मेरा रूम को अलग से, उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा। गाइस, अब मैं सीधे मेडिकल आ गया, और आज हमारे देवक भैया अपना दुकान नहीं खोले हैं, क्योंकि संडे को ही अपना छुट्टी रखते हैं एक दिन। संडे के दिन थोड़ा यहाँ का माहौल शांत रहता है, देख सकते हैं चारों तरफ से आपको सुनसान लगेगा, ऐसा लगता है दोबारा से कोरोना आ गया हो। और यहाँ मस्त एक तो फूल है, इसको आपको सिनेमेटिक मोड में दिखा देता हूँ। गाइस, ये जो फूल का पेड़ देख रहे हैं ना, ये साइज में अभी छोटा है, जब ये बहुत बड़ा हो जाता है ना तब इसका फूल ऐसा चारों तरफ से ऐसे गिरता है,
उस टाइम का नज़ारा देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये स्कूल कैंपस का है, इसको साल में एक बार काट दिया जाता है क्योंकि इसका फूल उल डगाल वगाल जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको थोड़ा साफ सफाई करते हैं। एक आध दिन आपको दिखाऊंगा जब पूरा ऐसा फैला रहेगा, इसी सीजन में गिरता है इसका फूल। अभी दोपहर के बज रहे हैं एक और यहाँ महाराज जी का दुकान में चलते हैं गन्ना जूस पीने। महाराज जी नमस्कार, एक ठो बना दीजिए तो। बर्फ भी रखे हैं क्या महाराज? रखे हैं बर्फ, थोड़ा सा डाल दीजिएगा, नहीं तो मेरे को तो थोड़ा सर्दी उर्दी टाइप का लग रहा है। आप मिट्टी तेल से चलाते हैं कि डीजल पेट्रोल? ऐसे टाइप का मशीन में चुस्की भी बनाते हैं ना, इस चुस्की भी बनाया जा सकता है इसमें? हाँ चुस्की भी बनाया जा सकता है। सोचे हैं चुस्की बनाने का? हाँ सोचे हैं चुस्की बनाने का। जल्दी बनाइएगा, मैं ही उद्घाटन कर दूंगा पहले। और हमारा गन्ना का जूस रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा बनाते हैं ये। कभी भी आप आइएगा तो इन्हीं के यहाँ रुक के पीजिएगा, यहाँ पे मेरे मेडिकल के सामने है जस्ट। अब मैं सीधे घर आ गया और मम्मी कहाँ गई ना बड़ी मम्मी? हाँ। मम्मी कहाँ गई पता नहीं। और मछली लोग को चारा दिए हैं कि नहीं? पता नहीं, शायद भूखे होंगे। दोपहर से गई है क्या अभी? अभी फिर भी चारा दे देते हैं, पता नहीं खाए होंगे कि नहीं। थोड़ा सा दे देते हैं, मतलब ये लोग भूखे थे, देखिए खा रहे हैं कैसे बेजुबान रहते हैं, मांगने भी नहीं आता है ये लोग को। तो समय समय से ये लोग का रूटीन बना देना चाहिए ताकि इन लोग को मांगना ना पड़े। अरे ये क्या था? आपने देखा कैसे बड़ी वाली मछली छलांग लगाई, इतना जोर से छलांग लगाई कि पानी मेरे ऊपर आ गया। अब मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। और आज कटहल का सब्जी बना है और इस सीजन में आज इसको मैं सबसे पहले खा रहा हूँ। तो ना बड़ी मम्मी, कटहल का सब्जी को कौन बनाया है, आपकी मम्मी? मस्त लग रहा है, एक नंबर। अब थोड़ा ब्रोनी के पास चलते हैं और इस बिस्किट को उसको खिला दूंगा। और जैसे ही मैं इस बिस्किट को लूंगा तो एक चीज आप देखिएगा कि वो बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा उसका भी रीजन है, क्योंकि वो जब तक नहीं बैठेगा उसको नहीं खिलाऊंगा, इसलिए वो अपना दिमाग लगा के पहले से बैठ जाता है। चलिए चलते हैं। ब्रोनी बिस्किट खाएगा? हाँ चलो खाएगा, खाएगा। हाँ चलो दे रहा हूँ मैं, देखिए बैठ गया ना, दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे करेगा तो नहीं दूंगा मैं, जान रहा है ना तू मेरे को। स्टे, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ये जो दीवार देख रहे हैं ना, इसका कलर उड़ गया है। मतलब इसको ब्रोनी खींच खींच के इसका ईंट तक दिख रहा है, इतना ताकत लगाता है। और ये आज का नहीं है, एक साल हो गया। और इसको हम लोग क्यों नहीं बनवा रहे हैं उसका भी रीजन है। तो गाइस इसका रीजन बता देता हूं मैं, ये मेरा रूम है और यहाँ पे हम लोग ब्रोनी को बांधते हैं, समझिएगा जरा। जब तक मैं इसको यहाँ पे नहीं बांधूंगा तब तक ये नहीं सोएगा। इसको मैं पहले वाले ब्लॉग में भी बता चुका हूँ, जैसे इसको हम लोग बांधे रहते हैं दिन भर बाहर और मैं मेडिकल से आता हूँ शाम को, तो अगर मेरा बुलेट को मैं बंद करके भी आऊं तो मेरा सांस से जान लेता है कि वो आ गया है। तो कभी कभी तो अपना चेन को तोड़ के भी आ जाता है, और आज ऐसा हो चुका है, लेकिन इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कभी दिखाऊंगा आपको। हम लोग कई बार ट्राई करके भी देखे हैं, जैसे इसको बाहर बांध के कि इसको बनवा लेते हैं, लेकिन वही चिल्लाने वाला चक्कर हुआ। तो सेकंड फ्लोर में मैं जब शिफ्ट हो जाऊंगा तो इसको ऊपर में लेके जाऊंगा, उस टाइम फिर इसको बनवाएंगे। और अभी मस्त सो रहे ब्रोनी। और मम्मी आ चुकी है, पूछते हैं कहाँ गई थी। कहाँ गई थी मम्मी? नई बहू आई है तो बुलाए थे, खाना खाने गई थी। अच्छा ईश्वर लोग के यहाँ? और दादी नींद नहीं लग रहा है, 9:00 रात का? नहीं लग रहा है। कितना टाइम सोती है? अभी तो गाइस मेरी बड़ी मम्मी जो है अंबिकापुर में रहती है, जैसे कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था। तो अभी हम लोग यहाँ कुछ ही दिन के लिए मेहमान टाइप का आई है। कितना दिन के लिए आई है बड़ी मम्मी? एक हफ्ता रहेगी अभी। और आपकी बहन के बेटे का शादी भी है, वहाँ नहीं जाएगी? और फिर आएगी कि नहीं हम लोग के यहाँ? आएगी ना। और देवांश लोग कब आएंगे फिर? अच्छा डायरेक्ट। रोनी बहुत रात हो चुका है, छो जाओ, चलो छो जाओ, गुड बॉय, स्लीप स्लीप स्लीप, मैं भी जा रहा हूँ ना, गुड नाइट। गाइस अभी रात के 10 बज चुके हैं, फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।